थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, बहुत टेस्टी होता है ये पोहा खाने में। हरी धनिया डाल देंगे बहुत थोड़ा सा, और ये सेव नमकीन है, आपको पसंद हो तो डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा पापड़ी डाल देंगे, बहुत कुरकुरा टेस्ट आता है खाने में, एक बार आप ज़रूर बनाएं। वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने फैमिली के साथ खुश भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। आज मैं पोहा बनाऊंगी मसालेदार, आप सब जरूर घर में बनाना। ये बहुत सरल रेसिपी है और झटपट बन जाती है। घर में सब परिवार इकट्ठा बैठे हो, भूख लग रही हो या कुछ चटपटा खाने का मन हो तो जल्दी से इसे बना लें और चाय के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सरलता से बन जाता है। उसके लिए जो हम सामान लिए हैं डालते वक्त आपको बताते जाएंगे, और ये जो धोने वाली सब्जियां हैं अच्छी तरह से धो के हम काट लिए। आप सब पूरी कोशिश करें सब्जियां बहुत अच्छी तरह से धोएं, सफाई का ध्यान दें। ये पोहा है जिसे चिवड़ा भी बोलते हैं, कहीं चिवड़ा बोलते हैं कहीं पोहा, इस तरह से आप सब ध्यान से देख लें। हम इसमें ले लेंगे इसको और पानी से इसे हम धो लेंगे, दो बार हम धो लेंगे पानी से इसे। अब इसका जितना पानी एक्स्ट्रा है हम इसका पानी निकाल देंगे। एक छन्नी लेंगे, उसमें इस पोहे को डाल देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। आप ऐसे भी निचोड़ सकते हैं पानी, ऐसे टेढ़ा करके निकाल दें, ऐसे इसमें रख दे रहे हैं, जो पानी एक्स्ट्रा होगा निकल जाएंगे, इसमें पानी ना छोड़े नहीं तो बिल्कुल गल जाएगा ये और चिपक जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसको नमक इसमें मिक्स कर लेंगे। ऐसे नमक अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दे रहे हैं ताकि ये फूल जाए। तब तक हम इसके मसाले वगैरह की तैयारी कर ले रहे हैं। 5 मिनट के लिए जब आप छोड़ें, 2 मिनट 2.5 मिनट बाद एक बार ऐसे चम्मच से खोल दें ताकि एकदम भर भरा हो पोहा, चिपके ना। पोहा बहुत मोटा बहुत पतला ना लें, मीडियम साइज के लें। मसाले में जो हम लिए हैं, एक प्याज धोकर काट लिए, बारीक धनिया काट लिए हैं धोकर, करी पत्ता ये सब धो लिए हैं, नींबू चाहिए एक, और दो हरी मिर्ची है बारीक काट लिए, 1 इंची अदरक टुकड़ा इसे भी काट लिए बारीक, आधा चम्मच गरम मसाला इस चम्मच से, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, हल्दी बहुत कम ही डालेंगे, तेल थोड़ा सा लगेगा हमें, मूंगफली है जो भी हम इसे भूनेंगे कच्ची है, और कुछ बारीक सेव है, आप पापड़ वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। नमक गैस ऑन करेंगे, इसमें तेल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, गरम होने देते हैं इसको। जीरा डाल देंगे पहले, इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। अभी याद आ गया मुझे कि मैं आधा छोटा चम्मच सरसों डाल दूँ, ये काली सरसों है आपके पास, काली या राई या पीली सरसों है जो भी हो वही डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे पकने देते हैं, मूंगफली डालकर भून लेंगे। मूंगफली हमारी कच्ची है, इसको 2 मिनट तक भूनेंगे, मीडियम गैस कर लें, पक जाएगी अच्छी तरह। मूंगफली हमारी पक गई है, चटकने का आवाज आ रही है। इसमें मैं इधर साइड में तेल है, करी पत्ता डाल देंगे, इसे भी साइड में फ्राई कर ले रहे हैं और साथ में मूंगफली को ऐसे चलाते जाएंगे। ये पक गया, प्याज डाल देंगे, प्याज को बिल्कुल लाइटली ब्राउन करेंगे, इसे पकाएंगे नहीं, हल्का सा सिर्फ इसको नरम करेंगे, इसे थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, नरम होते तक ही पकाएंगे। प्याज भी अच्छी तरह नरम हो गई तो हरी मिर्ची डाल देंगे, इसे आधा मिनट और भूनेंगे। ये सब साथ में ही भून ले रहे हैं, और ये प्याज भी जितना हमें ज़रूरत है उतना नरम हो गई है, इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, प्याज को नरम ही करना है। और मूंगफली भी पक गई, अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, हल्दी थोड़ा पक जाए, हल्दी बहुत एक ही चुटकी डालेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना है पोहे में। हम ये अदरक डाल देंगे, ये भी पक जाएगा,
बस हमारे मसाले पक गए। पोहा बनाने में इतना ही टाइम लगता है, मसाला पकना है बस। अब ये जो पोहा हम धो कर रखे थे 5 मिनट, उसको डाल देंगे। लाल मिर्ची भी डाल देंगे इसके ऊपर, आप पसंद करें डालें, नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला है इसे डाल देंगे और इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। खाली मिक्स ही करना है, मसाला पका हुआ है। इस तरह से मसाला मिक्स कर लिए, गैस बिल्कुल स्लो रखें। और हम जब पोहा भिगा रहे थे उस वक्त हम नमक डाले थे, इसलिए इस समय बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अब मूंगफली की जगह हरी मटर डाल सकते हो, या जो सोयाबड़ी आती है उसे भी डाल सकते हो। मसालेदार पोहा तैयार हो गया, गैस ऑफ कर दे रहे हैं। मसालेदार पोहा तैयार हो गया, हम इसमें सर्व कर ले रहे हैं। नींबू डालेंगे, नींबू निचोड़ देंगे, जितना आप लाइक करें उतना नींबू डाल दें। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, बहुत टेस्टी होता है ये पोहा खाने में। हरी धनिया डाल देंगे बहुत थोड़ा सा, और ये सेव नमकीन है, आपको पसंद हो तो डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा पापड़ी डाल देंगे, बहुत कुरकुरा टेस्ट आता है खाने में, एक बार आप ज़रूर बनाएं। ये देखो बनारस का चटपटा पोहा तैयार है, इस तरह से बनाते हैं। बनारस में पोहा बिल्कुल मसालेदार, बिल्कुल चटपटा, आप देख सकते हैं। अगर यह पोहा आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और मेरी आप सबसे अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी डालूं आप तक सबसे पहले ही पहुंच जाए।